अरे अर्षी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हुई है, आगे क्या भविष्य देख रहे हैं हिंदुस्तान का आप? देश के भविष्य की बात कर रहे हैं आप। जब से ये 4 सालों से ये फर्जी राष्ट्रवादियों की सरकार आई है, तब से देश तो समझिए कि 50 साल और पीछे चला गया। जिन बच्चों के हाथों में लैपटॉप और किताबें होनी चाहिए थी, वो बच्चे आज पत्थर लेकर के धर्म जाति के नाम पर लोगों को मार रहे हैं, गौ रक्षा के नाम पर मार रहे हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे देश के लोगों को खुद ही मजा आने लगा है बेवकूफ बनने में। और जो देश की जनता खुद धर्म जाति से ऊपर नहीं उठना चाहती, उस देश का भविष्य क्या होगा? उल्लू बनने में उन्हें मजा आने लगा है, गरीबी हटाओ के नाम पर, विकास के नाम पर, ईमानदारी के नाम पर। ईमानदारी का आलम तो यह है कि मीडिया जिसको डिस्कशन करना चाहिए था कि अमित शाह जिस बैंक के डायरेक्टर हैं, वहां 5 दिन में डिमोनिटाइजेशन के टाइम पर 750 करोड़ रुपए कैसे बदल गए, वो मीडिया ये डिबेट कर रही है कि अखिलेश यादव जब घर छोड़कर जा रहे थे तो वो 50 रुपए की टोटी उखाड़ ले गए। ये स्तर हो गया है मीडिया का। ये सब देखने के बाद आप देश का भविष्य क्या समझ सकते हैं? और जो सो कॉल्ड एजुकेटेड क्लास है, वो तो अपने इंटरेस्ट और अपने लाभ के लिए किधर भी जा सकता है, उसको कोई मतलब नहीं। तो ये सारा देखते हुए आज जो आप बता रहे हैं, श्यामा मुखर्जी जी की बात बता रहे हैं कि उन्होंने अब ये इन्होंने नया शोशा छोड़ दिया श्यामा मुखर्जी का। अब 4 साल से तुम्हारी सरकार थी, सेंटर में भी, जम्मू कश्मीर में भी पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाए थे, तब तो तुम्हें श्यामा मुखर्जी जी नहीं दिख रहे थे। अब जब चुनाव सर पर आ गया है, तुम्हें फिर से कुछ ना कुछ नया शोशा लेकर के देश की अमन शांति को बर्बाद करना है, तो एक नई चीज और निकाल लाए कि श्यामा मुखर्जी जी की हत्या हुई थी। देश का भविष्य ये सब हालात को देखते हुए मुझे बहुत अंधकार में नजर आ रहा है।